कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं किए, हम किसी का बुरा सोचते भी नहीं हैं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? कभी कभी हम देखते हैं जो गलत काम करते हैं, गलत काम करने वाले बहुत कम मेहनत में बहुत धन कमा लेते हैं, और भारत में कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक हाथ गाड़ी खींचते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी 200 रुपये नहीं कमा पाते हैं। क्यों? एक आदमी दिन भर मजदूरी मेहनत करे तो दिन के 200 रुपये, और एक आदमी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर 2-3 फोन जोड़ देता है तो 2 लाख रुपये कमा लेता है। यदि कोई कहे कि मेहनत से ही पैसे मिलते हैं, मेहनत करने से पैसे मिलते हैं, तो ये मजदूर मजदूरी करने वाले कितनी मेहनत करते हैं, धन तो नहीं मिलता। तो ये सब क्या है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बहुत मेहनत करने पर भी फल क्यों नहीं मिलता है? ये सारी बात जो है कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। हो सकता है कि हम वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हैं, वर्तमान में जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं इसका फल हमें भविष्य में मिलेगा, लेकिन भूतकाल में, पास्ट में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमने जो बुरे कर्म किए हैं उसका बुरा फल दुख के रूप में वर्तमान में हम भोगत रहे हैं। हम सब लोग कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं भक्तों, और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि चींटी से लेकर इंद्र तक इस संसार में सभी जीवों को अपने अपने कर्म की सजा भोगतनी ही पड़ती है। ऐसा कोई नहीं है जो कर्म से मुक्त है।